अस्थि चर्म मैं देहा, आपर ऐसी प्रीति ऐसी जो श्री राम महा अवसि मिटहि भाइति, अवसि मिटहि भाव भीति, अवसि मिटहि। इंसान से इंसान का प्रेम बुरा नहीं होता है, अच्छा होता है, लेकिन इंसान का भगवान के साथ भी प्रेम होना चाहिए। रत्ना कहती जितना प्रेम आप हमसे कर रहे हैं ना, अगर इतने प्रेम भगवान से करते ना तो जीवन की मरण जन्म के चक्र से सदा सदा के लिए मुक्ति हो जाती है। और जैसे ही रत्ना ये बात कहती है ना, तुलसीदास जी एकदम से उनके भीतर का जो सुप्त ज्ञान था ना वो जागृत हो जाता है। और फिर कहते हैं, हाँ रत्ना तुम ठीक कह रही हो, गलत तो हम ही हैं जो उलझे हुए संसार में तुम्हारे पीछे। तुम्हारा बहुत बहुत आभार है कि तुमने मेरे सोए हुए ज्ञान को जगा दिया। ये कह करके तुलसीदास जी उसी समय अपने घर आ जाते हैं और फिर बनारस में जाकर बाबा तुलसीदास खूब भगवान का भजन करते हैं, खूब साधना करते हैं। हनुमान जी की उनको विशेष कृपा प्राप्त होती है और हनुमान जी की कृपा से भगवान श्री राम का उन्हें दर्शन होता है। जीवन का इतना निचोड़ शायद ही किसी ग्रंथ में मिले। एकमात्र ऐसा ये ग्रंथ है ना कि जो भारतवर्ष ही नहीं विदेशों में भी लोग अपने पूजा के मंदिर में रखते हैं, रोज पाठ करते हैं। यूपी बिहार और एमपी की बात करें तो बहुत लोगों को तो इसकी ढेर सारी चौपाई तक याद है। अम्मा या दादी की बात करें, स्कूल नहीं गई लेकिन मानस पढ़ना उसको आता है ना जादू। आपको अंग्रेजी की किताब दे दे तो आप नहीं पढ़ सकते, लेकिन जो दादी स्कूल नहीं गई वो मानस पढ़ना जानती है। बहुत बहुत अनुपम है, इसके जैसा दूसरा कोई ग्रंथ नहीं है। श्री रामचरित मानस अगर नहीं लिखा गया होता ना तो जो हमारा सनातन धर्म है ना उसका अस्तित्व तो नहीं बचा होता। आज बताइए संस्कृत जानने वाले कितने लोग हैं, नहीं पता है। इसकी वजह से हम भगवान से जुड़ी प्रत्येक घटना को अपने घर में अपने द्वारा पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। वैसे पवित्र ग्रंथ के लेखन करने वाले महान संत गोस्वामी तुलसीदास बाबा को प्रणाम करते हैं और लगे हाथ आपको बताएं कि मार तो ढेर सारे पति खाते अपनी बीवी के हाथ से, लेकिन सब तुलसी बाबा नहीं बनते। तुलसीदास तभी कोई बनता है जब उसके पूर्व जन्म के कर्म और इस जीवन के ज्ञान खूब प्रबल होते हैं।